जय हिंद दोस्तों, न्यूज़ सच से सच तक में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग उपस्थित हैं सिवान स्थित आराध्या ट्रामा सेंटर, जिसके संस्थापक हैं डॉक्टर अरविंद कुमार। और यहाँ आने का मकसद है कि अक्सर देखा जाता है कि रोड पे एक्सीडेंट होता है, ये तो आम बात है आज के ज़माने में NH पर या फिर SS पे। लेकिन एक्सीडेंट के बाद अक्सर लोग वहाँ पे फोटोज़ खींचते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन इंसानियत को शर्मसार करते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आता। और इसी दरमियान बीते छठ के एक दिन पहले यहाँ बगल में फतेहपुर जो है बाईपास, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट के बाद वो अक्सर जैसे होता है उसी तरह वहाँ पे भी लोग वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे, लेकिन उस वहाँ इंसान तड़प रहा था, उसे कोई नहीं देख रहा। उसी दरमियान बीरेश तिवारी जी की एक टीम बीरेश है, टीम बीरेश को जब ये बात पता चला तो टीम बीरेश गई और उस व्यक्ति की इलाज कराई। और इलाज कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी घटनाक्रम अभी हम लोग के साथ उपस्थित हैं सुरवाला पंचायत के सरपंच पचरुखी प्रखंड के सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं बीरेश तिवारी जी, हम सभी के बीच उपस्थित हैं और इनसे हम जानेंगे पूरी घटनाक्रम क्या है। सर, सबसे पहले न्यूज़ सच से सच तक में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये आप जाने और आ रहे हैं, जो ये सब दिखा रहे हैं, जो समाज में और लोग भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और काम करें। सर, जो उस वो घटना हुई थी, पूरी घटना क्या थी? सर, घटना हुआ था जब फतेहपुर बाईपास में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी वाला छोड़ के भाग गया था। ये हॉस्पिटल में जब पहुँचे थे तो हम उधर से क्रॉस कर रहे थे, देखे जो भीड़ है तो उतरे, वहाँ उतरे तो देखे जो इनका कोई माई बाप नहीं है यहाँ पूछने वाला। हम लोग वहाँ उनका इलाज कराए, इलाज के क्रम में उनको चोट था सर में और कंधे पे। उसको डॉक्टर साहब वहाँ बोले सदर हॉस्पिटल में, जो इसका CT स्कैन कराना है, CT स्कैन लाकर। सदर अस्पताल में CT स्कैन की व्यवस्था नहीं थी? नहीं, वहाँ नहीं थी, तो हम लोग सिरा में अल्ट्रासाउंड में ला के कराए। उसके बाद देखे जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज सही नहीं होगा। और गरीब साफ था, गरीब मालूम हुआ, जो इसको 5 बेटी है, पैर से भी अपाहिज है, तो इसको अरविंद बाबू के यहाँ लाए और बोले जो जितना इलाज में खर्चा लगे हम लोग देंगे और आप निधड़ के इसका इलाज करिए। कहीं ना कहीं सर, आप सरकार के एक अंग है और आप सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में सही रूप से इलाज नहीं हो पाएगा। सर, डर नहीं है सरकार से, मौजूदा सरकार से? सरकार गलती करेगी तो हम लोग कहेंगे नहीं, सरकार से क्या डरना है, सरकार के अंग है, ठीक है, लेकिन सरकार वहाँ व्यवस्था करे। मंगल बाबा क्या कर रहे थे, मंगल बाबा को कराना ना चाहिए सब कुछ व्यवस्था वहाँ। अब तो कुछ दवा ववा मिल जा रहा है, पहले कुछ नहीं मिलता था, बाहर से सब मंगाते हैं लोग दवा। हम तो अक्सर हमेशा हॉस्पिटल में जाते हैं, क्षेत्र से किसी को कुछ होता है तो पहुँचते हैं लोग, लेकिन वहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सरपंच साहब का कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं प्राइवेट मेडिकल संस्थानों में या फिर हॉस्पिटल्स में मिल रहा वो सरकारी अस्पताल में नहीं मिला। चलते हैं अब घटनाक्रम में, जिन व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था सर, उनका क्या परिचय? वो सुरेश माझी नाम का व्यक्ति, बाद में उसका नाम मालूम हुआ, जब होश में आया तो बताया, वो आंग्या मामदा का है, गरीब घर का लड़का है, कमाता है और खाता है। सर, आपके क्षेत्र से बाहर के हैं, क्या आपको चुनाव लड़ना है MLC का क्या या MP का, जो क्षेत्र से बाहर काम कर? देखिए, चुनाव की बात नहीं है, आप हमारे बारे में जानते ही हैं, जो लॉकडाउन में भी सब लोग सोच रहा था जो किस चीज़ का चुनाव लड़ेंगे, जो क्षेत्र से बाहर, कभी गोपालगंज जाके बढ़ते थे, कभी गुठनी बढ़ते थे, कभी दुरावदा बढ़ते थे, कभी बड़हरिया बढ़ते थे, कभी बसतपुर बढ़ते थे, ये चुनाव लड़ने की बात नहीं है। हम लोग को माने एक है जो सेवा करना है। तो देखिए, बीरेश तिवारी जी का कहना है कि सेवा करना है और इंसानियत का सबसे पहला धर्म होता है इंसान का एक मदद करना, और तड़पते हुए इंसान को एक, जैसे कि कहा जाता है, एक डॉक्टर भगवान के रूप होता है और भगवान के पास लाए और उस उनके इलाज के लिए जो भी व्यवस्थाएँ हैं इन्होंने अपने पास से किया, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीरेश तिवारी जी को कहेंगे जय हिंद सर। जय हिंद। और इसके साथ ही यहाँ पे भगवान के रूप में डॉक्टर अरविंद कुमार जी उपस्थित है, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कंडीशन था जो पेशेंट आया उसका और अभी क्या व्यवस्था है। सर, सबसे पहले न्यूज़ सच से सच तक में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, जो पेशेंट आया था, जो पेशेंट आपके पास आया था, उसका उस वक्त कंडीशन क्या था? जब मरीज हमारे पास आया था तो उसे मरीज बड़ी अनकॉन्शियस था, मैंने बेहोश की हालत में था, दाएं हाथ की पसली टूटी हुई थी, क्लेफ्ट का फ्रैक्चर था, तो पेशेंट बहुत बेहोश की हालत में था, तो हम लोग
यहाँ पे उसका उपचार किए, जाँच उच करवाए, अभी अभी मरीज बहुत स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। सर देखा जा अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए ऐसा किया करते हैं, तो क्या हम ये माने कि डॉक्टर अरविंद कुमार का भी ये मकसद है प्रचार प्रसार या सेवा? नहीं देखिए, प्रचार तो अलग चीज़ हो गया, लेकिन हम गरीबों को फ्री में इलाज करते हैं। तो देखिए डॉक्टर अरविंद कुमार कह रहे हैं कि गरीबों को ऑन कैमरा कि गरीबों का फ्री में इलाज करते हैं, तो आगे भी गरीब आपके पास आएंगे? जितना आते हैं हम करते हैं, जितना गरीब लोग आते हैं उन फ्री में इलाज करते हैं। मैं एक फेसबुक पर अपने निजी फेसबुक पर डाला था जे हमारे क्षेत्र के और पंचायत के जो भी गरीब मरीज हैं उनके पास पैसा इलाज करने के लिए नहीं है तो जाएं अरविंद बाबू के पास और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। मैंने अरविंद बाबू से बात भी किया था, अरविंद बाबू ने बोला जो ऐसे मरीज जितना होंगे उसका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराऊंगा, हो सके तो मैं दवा भी दिला दूंगा जो हम लोग को मिलता है या दवा के दुकान से फ्री सब करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं टीम बीरेश का जो संस्थापक है बीरेश तिवारी जी, उनका और आराध्या ट्रामा सेंटर जो संस्थापक हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, इन्होंने ठाना है कि कोई भी गरीब दवा के लिए अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट अस्पतालों में पहले पैसा जमा कराया जाता है फिर इलाज किया जाता है, लेकिन इन्होंने ठाना है कि नहीं, कोई गरीब इलाज के लिए नहीं मरेगा, और इसलिए इन्होंने रोड पे गिरे हुए इंसान का इलाज कराया। और इसके लिए सर एक बार फिर सर आपको जय हिंद सर। और आगे चलते हैं, जो मरीज है उनका हम कंडीशन दिखाएंगे और कहीं ना कहीं ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि सही में वास्तविकता ये है या फिर इसके पीछे कहीं ना कुछ राजनीतिक कारण भी तो नहीं है। आगे चलते हैं, आपको मरीज से मिलाते हैं। आ चुके हैं पेशेंट के पास और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेशमा जी। कहाँ घर है? अंगया मठिया। आपका एक्सीडेंट ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ये फतेहपुर वाला रोड में हुआ। कब हुआ था? सुबह 9 बजे के टाइम। 9 बजे करके एक्सीडेंट होने के बाद आप यहाँ पे कैसे आए? सरपंच साहब लाए। सरपंच साहब पहले यहाँ लाए थे या इसके पहले कहीं ले गए थे? सीवर सदर में ले गए थे। सदर में ले गए थे, वहाँ से यहाँ क्यों लाए? वहाँ अच्छा नहीं लगा था, यहाँ ले आए। देख सकते हैं सरपंच साहब ने एक तो अच्छा काम किया कि सदर अस्पताल में ले गया, वहाँ भी इनका दायित्व ख़त्म हो सकता था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि वहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा सही रूप से तो ये प्राइवेट संस्था में ले गए। अच्छा आपका इलाज यहाँ पे कैसा हो रहा? इलाज बढ़िया हुआ है। इलाज बढ़िया हो रहा है, इलाज में कोई परेशानी नहीं? दवा समय से मिलता है? समय से डॉक्टर साहब आते हैं जाँच करने के लिए? जाते हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? आप इनके पत्नी हैं? हाँ। अच्छा इनका जो इलाज होता है इलाज के लिए आपसे कोई पैसा भी मांगता है? ना। नहीं। और दवा ववा का? ना। एक पैसा नहीं लगता है? अच्छा इनका जो दवा इलाज होता है डॉक्टर साहब समय से आते हैं कि नहीं? नहीं। अच्छा आप लोग देख सकते हैं कि प्राइवेट संस्था है फिर भी एक पैसा नहीं लगता है, फिर भी सारे जो चीज़ें होती है डॉक्टर का एक वो समय अनुसार होता है। अच्छा ऐसे सरपंच साहब के लिए आप क्या कहेंगे? तो भगवान ने हमारे लिए बचाए हैं। अच्छा देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि सरपंच साहब भगवान हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जो आपका इतने अच्छे से इलाज किए हैं उनके लिए आप क्या कहें? उनके लिए भी भगवान है हमारे। अच्छा भगवान है। अच्छा अभी आपका क्या कंडीशन है? अब तो ठीक है। अभी कंडीशन ठीक है? हाँ। कितने दिन में आपको लगता है कि स्वस्थ हो जाइएगा? अभी तो कम 15-20 दिन लगेगा। अब 15-20 दिन लगेगा। चलिए अब देख सकते हैं कि इनका कहना है कि इनके लिए डॉक्टर साहब और सरपंच साहब भगवान है, और इनके लिए ही नहीं लगातार देखा गया था कि कोरोना के वक्त भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद किया था, तो उन लोगों के लिए भी भगवान थे। और ऐसे ऐसे लोगों के लिए जब चुनाव आए तो एक बार जनता को सोचना चाहिए था, क्योंकि देखिए इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इन्होंने चुनाव जीतने के बाद और ये होता है क्षेत्र से बाहर के लोगों की मदद कर रहे हैं डॉक्टर साहब बिना जात पूछे। आजकल बिहार में जातिवाद छाया हुआ, बिना जात पूछे बिना परिचय पूछे ऐसे ऐसे लोगों का इलाज करते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों के लिए तो एक बार जय हिंद बनता है।